और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां एक तरफ पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, वहीं पास में ही छोटा बांगदड़ा स्थित विकास नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान में चोरी हो गई। व्यापारी रात को दुकान पहुंचा तो पुलिसकर्मी बोले, हम थे तो चोरी कैसे हो सकती है। जब फुटेज खंगाले तो वारदात दिखी। इंदौर के एरोड्रम इलाके में रात में मूसलाधार बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक इलेक्ट्रिक दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर यहां से लाखों के मोबाइल, लैपटॉप और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। जहां चोरी हुई वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिसकर्मी बैठे थे। पुलिस ने मामले में देर शाम व्यापारी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना विकास नगर छोटा बांगड़ा की है। यहां ओम जाट की हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज की दुकान है। रात में करीब 3 बजे यहां घुसकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। अल सुबह यहां पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दुकान के ताले टूटे देखे तो दुकान मालिक ओम जाट को तत्काल जानकारी दी। उन्होंने बताया, रात को 3 बजे उन्हें परिचित ने फोन कर कहा, आपकी दुकान का शटर खुला है, कोई काम चल रहा है क्या? मैंने कहा नहीं। फिर तुरंत मैं बेटे के साथ दुकान पर पहुंचा तो देखा शटर खुला था और मोबाइल व अन्य सामान चोरी हो चुका था। दुकानदार ओम जाट के मुताबिक जहां चोरी हुई वहां नजदीक से ही पुलिसकर्मी बैठे थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने चोरी की बात से इनकार कर दिया। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सुबह थाने जाकर केस दर्ज कराने की बात कही। व्यापारी के मुताबिक जब वह थाने पहुंचे तो यहां बैठे पुलिसकर्मियों ने मोबाइल के बिल लाने के बाद केस दर्ज कराने की बात कही। अफसरों तक मामला पहुंचने के बाद केस दर्ज किया गया है। वहीं व्यापारी पूरे मोबाइल के बिल अलग से पेश करेगा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। को करीबन 3 बजे के लगभग में मेरे पास फोन आया हमारे परिचित का। उन्होंने बोले भाई साहब, आपके दुकान की शटर खुली है, क्या हुआ है, कुछ कारण है कि कोई है यहाँ पे, तो आप देखो तो सही क्या है। तो मेरे फिर रात को 3 बजे में और मेरा बालक दोनों हम उठ के और यहाँ आए भगते हुए, और हमने देखा तो यहाँ से शटर खुला था आधे से ज़्यादा, और हमने देखा कि यहाँ से सामान, मोबाइल गायब हो गया, कुछ सामान भी गायब हुआ, और पास में ही पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो भी फिर उसी समय आ गए। तो हमने बोला, मैंने कहा चोरी हो गई, तो बोले चोरी ऐसे कैसे हो जाएगी, हम यहीं बैठे हैं, चोरी कैसे हो जाएगी।